The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar. बाल के ऊपर बातचीत करेंगे, हेयर प्रॉब्लम्स, मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न, बॉल्डनेस क्या होता है, बॉल्डनेस कई, बॉल्डनेस का मतलब है टकलापन, मतलब के बाला, मतलब के बाल जाना, पिक्चर तो देखी होगी आपने. सो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का मतलब है कि भी आपके बाल जो है, जितनी ज़्यादातर लोगों के बाल जो लड़कों के बाल, मर्दों के बाल जो जाते हैं वो मेल, मेल्स के बाल जिस पैटर्न में जाते हैं उसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं. उसमें क्या डिफरेंस है मेल पैटर्न में और फीमेल पैटर्न में, एग्जैक्टली डिफरेंट क्या है, आज इस बारे में हम जानेंगे. और एग्जैक्टली उन दोनों के कारण क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं, इस बात को भी कुछ हद तक हम टच करने की कोशिश करेंगे. सो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे, मेल पैटर्न बॉल्डनेस वर्सेस फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट यू नीड टू नो. ऑलराइट, सो सी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सारे के सारे मेल्स का, अरे यार ये क्या है, हेलो, हाँ जी, ठीक है, रेफरेंस आके देख लूंगा मैं. ओके ठीक है, मैं आके देख लूंगा, सॉरी, कॉल्स आते रहते हैं, सो वी कैन नॉट हेल्प इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मेल, मेल पैटर्न में कैसा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लड़कों के, आदमियों के बाल जो हैं सर के ऊपर से, टॉप ऑफ द हेड से जाने लगते हैं इवेंचुअली, विच इज जैसे जैसे एक रिंग जैसा हेयर लॉस होने लगता है, जो साइड में ऐसा हेयर आ जाए, लगता है कि से रिंग आ जाएगा, इसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं. और इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ, यार आज ही गड़बड़ हुई सारी, क्या हो रहा है, ये लाइट चली गई है और हम चाहते हैं, हाँ आ गई है, सो क्षमा चाहते हैं, लाइट चली गई, सो मैं एक बल्ब जला ही देता हूँ इनकेस बाद में लाइट फिर से गड़बड़ करे. ओके, सो ज्यादा हो रहा है. सो मेल पैटर्न बॉल्डनेस इसको बोलते हैं जो ऊपर से बाल चले जाते हैं. ये क्यों होता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, जीन्स, जीन जेनेटिक प्रॉब्लम, दोनों ही पेरेंट के, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके फादर साहब के बाल हैं तो आपके रहेंगे, हो सकता है आपकी मदर के फादर के फादर या मदर के फादर साइड में, वहां पर मेल पैटर्न बॉल्डनेस की जीन है, वहां से आपके पास आ गई. जी हाँ, सो आपको आपका भी देखना पड़ेगा और आपके फादर साहब, आपकी मदर साहब के फादर, मदर के फादर के भी देखना पड़ेगा. सो मदर साइड, फादर साइड, दोनों साइड से वो जीन आ सकता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस की जीन. और ये जीन्स के साथ, सिर्फ जीन्स नहीं है, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर नहीं है, इट इज फ्यूल्ड बाय द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, सो टेस्टोस्टेरोन एक उम्र के बाद कम होते जाता है, लेकिन DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट बढ़ता जाता है, वो देखने को मिलता है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है. कुछ लोग जो स्टीरॉइड्स लेते हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ा लेते हैं, उनके फिर जल्दी चले जाते हैं, बिकॉज उस केस में फिर DHT भी बढ़ जाता है, राइट. सो दैट कॉजेज जेनेटिक रीजंस एंड हार्मोन रीजंस, दोनों के वजह से मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस अलग होता है. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का मतलब है कि बाल जाएंगे जो पूरी तरह से, सिर्फ ऐसा रिंग नहीं जाएगा, पूरे टॉप स्काल्प के पूरी तरह से जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सामने से ना फ्रंट के जरा से हेयर्स रह जाएंगे, फ्रंट के इंटैक्ट और पूरे बाल जाएंगे. सो इट विल नॉट लीव अ बिग रिंग पूरे तरफ से, पूरे जाएंगे लेकिन एक तो ऐसा एक पतली सी लाइन आगे की लाइन रह जाती है, तो उसको कहते हैं फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस. सो दैट इज फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो के जिस केस में भी
जीन्स इन्वॉल्व है, द जेनेटिक्स आर इन्वॉल्व इन द फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, और इसमें फीमेल्स में स्ट्रेस राइट, जिसको हम इस टाइप के फीमेल पैटर्न हॉर्न बॉल्डनेस को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कह सकते हैं, जो फीमेल में बहुत कॉमनली होता है, और अगेन काफ़ी सारे फीमेल्स को ये हेरिडेटरी यानी जेनेटिक फैक्टर्स के वजह से होता है। इसके अलावा हॉर्मोनल, जैसे कि मीनोपॉज के टाइम, उनके जब मीन्स मेंसेस आने बंद होते हैं उसके टाइम ज़्यादा हो जाते हैं, मीनोपॉज के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, और जैसे कि किसी इन्फेक्शन के बाद, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बाद, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ा सकती हैं, बट हॉर्मोन्स में और जेनेटिक फैक्टर इज द प्राइमरी थिंग जो इसे कॉज करेगा। अब एज आई सेड राइट, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्योंकि हेयर की ग्रोइंग फेज, क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हो क्या रहा है, बाल जा क्यों रहे हैं, चाहे फीमेल हो या मेन हो, दोनों ही केस में जो हेयर में हमने ग्रोइंग फेज, हमने हेयर की साइकिल समझाई थी एक बार, हेयर साइकिल और हेयर फेजेस, तो हेयर की ग्रोथ फेज जो होती थी वो ग्रोथ फेज स्लो डाउन हो जाती है, कट डाउन हो जाती है, और हेयर को नया हेयर बनने में बहुत ज़्यादा समय लगने लगता है। ये ज़्यादातर केसेस फीमेल में होने शुरू हो जाते हैं, और मेल्स में भी सिमिलरली होता है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा ग्रो होने में, तो डैमेज जल्दी जल्दी होगा, बिकॉज डैमेज तो आप कर ही रहे हो जो हेयर है उसको। सो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस इज बिकॉज ऑफ स्लो दिस थिंग। सो फॉलिकल्स भी, इसमें फॉलिकल्स भी श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, और पतले पतले थिन थिन बाल आने शुरू हो जाते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। ऊपर से आप ब्लो ड्रायर लगाओगे, ऊपर से आप चीज़ें खतरनाक शैम्पू से, खारे पानी से बाल धोने शुरू कर देते हैं, धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी करते हैं बालों की, उसके वजह से होता है। सो लाइक आई सेड, याद रखिए ये दोनों चीज़ें होते रहते हैं, और फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थिन हेयर का पहले आता है, मेल्स में बॉल्डनेस डायरेक्ट शुरू हो जाती है राइट। याद रखिए 50 से 100 बाल गिरना रोज़ाना कॉमन है, नॉर्मल है, तो अगर ग्रोथ स्लो हो जाएगी तो धीरे धीरे टकलापन तो आएगा ही आएगा, दोनों में आएगा, आना ही है राइट, दैट इज द थिंग। सो लेट्स सी अबाउट डॉक्टर्स, इसको कई बार जेनेटिक कॉजेज होते हैं तो ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे केसेस में फिर आपके हॉर्मोन्स लेवल का टेस्ट किया जा सकता है, आपके न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जा सकता है कि भाई आपको यंग एज में तो नहीं जा रहे बाल, वो देखा जा सकता है। तो टेस्ट्स करके डायग्नोस करने की कोशिश की जा सकती है कि आपके थायराइड लेवल कैसे है, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन्स, ईस्ट्रोजन्स कैसे हैं, आयरन लेवल कैसा है, और बाकी सारे ग्रोथ फैक्टर्स कैसे हैं आपके बॉडी के अंदर, प्रोटीन प्रॉपर है, वजन प्रॉपर है कि नहीं। और ट्रीटमेंट में एज आई सेड, पहले लाइफस्टाइल असेसमेंट किया जाता है, हार्म रोका जाता है, और उसके बाद फिर नेसेसरी चीज़ें दिए जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। अगर DHT के वजह से लग रहा है, या मिनोक्सिडिल एक ट्रीटमेंट है जो कई बार लोगों को पहला स्टेप में ही दिया जा सकता है, फिर फिनास्ट्राइड, डूटास्ट्राइड जो कि बेसिकली DHT ब्लॉकर्स हैं, वो दिए जा सकते हैं राइट। लेकिन ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए ज़्यादातर दिया जाता है, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है राइट। स्पायरोनोलैक्टोन नाम की एक डायूरेटिक है, ये भी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड निकाल देता है और एंड्रोजन प्रोडक्शन ब्लॉक करता है, तो ये फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में हेल्प कर सकता है फायरोनोलैक्टोन। लेकिन ये भी अब अगेन, इसके हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर को देखना होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए, दैट इज़ वेयर इट इज़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड ऑब्वियसली आपको हेयर केयर को समझना पड़ेगा। अगर आपने हेयर केयर सही से नहीं किया, सो नो पॉइंट कोई ट्रीटमेंट आप कर लो, अल्टीमेटली यू विल लैंड अप इन द सेम और वर्स पोजिशन एज सून एज यू स्टॉप डूइंग दैट हेयर केयर। सो मेक श्योर कि आप हमारे हेयर केयर वाला वीडियो ज़रूर देखें, और हेयर को डैमेज करने वाली चीज़ें बंद करके हेयर को ग्रो करने वाले पॉइंट्स को फॉलो करें। दीज आर द थिंग्स विच आई विल एडवाइस यू डेफिनेटली। बहुत आसान है,
हेयर केयर बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करें, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके देखें। मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस जेनेटिक है, लेकिन देर आर प्लेंटी थिंग्स इन योर हैंड जो कि आप कर सकते हो। अगर आप अपने अपने हाथ में जो चीज़ें हैं उसको करोगे, सो आई डेफिनेटली अश्योर यू, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ हेयर्स एंड डीले। ऑब्वियसली अगर आपके जीन्स में है कि बाल जाएंगे तो जाएंगे, पर डीले कर सकते हो एज मच एज यू कैन, राइट।